भोपाल स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में ठेका श्रमिकों ने हड़ताल की है। 3 महीने से सैलरी न मिलने और मजदूरी में प्रतिदिन 100 रुपए कटने से श्रमिक नाराज हैं। देश की महारत्न कंपनी में शुमार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में ठेका श्रमिकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ठेका श्रमिकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, वहीं श्रमिकों की मजदूरी से 100 रुपए प्रतिदिन काटा जा रहा है, जिसको लेकर श्रमिकों में काफी रोष है। श्रमिकों ने भेल के गेट नंबर 1 पर इसके विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान श्रमिकों ने भेल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि आवाज उठाने पर उन्हें कंपनी से भगाने की धमकी दी जा रही है। कंपनी के प्रबंधन और ठेकेदार की मिलीभगत है। श्रमिकों का कहना है कि लॉकडाउन में भेल को बंद किया गया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी भी मजदूर का वेतन नहीं काटा जाएगा, लेकिन प्रबंधन ने 3,000 वेतन की कटौती की है, जिससे हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इस दौरान ठेका श्रमिकों ने प्रबंधन और ठेकेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।